गुड इवनिंग एवरीवन, यह है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब ट्यूटोरियल सीरीज। आज के मॉड्यूल में हम देखेंगे सेट डिस्प्ले ऑप्शंस। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपको अपने ई टैब्स के प्रोजेक्ट की प्रिंट आउट चाहिए अपनी रिपोर्ट में लगाने के लिए, तो आप सेट डिस्प्ले ऑप्शन में जाके अपने जो जो व्यूज हैं उनको बहुत अच्छा व्यू और बना सकते हो और प्रिंट निकाल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक मॉडल बना हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए एक चीज़ हो रहा है, इससे पहले सेट डिस्प्ले ऑप्शन से पहले हम एक्सट्रूड और ट्रांसपेरेंसी टूल को जान लेते हैं, उसके बाद इस पे चलते हैं। तो देखिए एक्सट्रूड ऑप्शन तो है वो है ये, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपने जो प्रॉपर्टी अपने स्ट्रक्चर को दी है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर विंडो व्यू में शो करेगा। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, नहीं दिखा रहा अभी ये, एक नई विंडो ले लेते हैं हम। सम टाइम ऐसा होता है कि एरर आता है, नहीं हो पा रहा है, न्यू मॉडल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑल स्टोर किया और मैं बीम अप्लाई कर देता हूँ, कंक्रीट बीम ले लेते हैं, कंक्रीट बीम, ये इसी तरह कंक्रीट कॉलम कर देते हैं, ये रहा। अब 3D विंडो पे मैंने क्लिक किया और एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं। देखिए एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं, जो प्रॉपर्टी है हमारे बीम को अलग क्रॉस सेक्शन वो साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये है आपका एक्सट्रूड ऑप्शन। अगर आप एक्सट्रूड ऑप्शन में ये सेल्स का ही फ्रेम का भी हमने फ्रेम का किया है, एक्सट्रूड के बगल में ही है ट्रांसपेरेंसी, तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप ट्रांसपेरेंसी इसकी चली जाएगी, देखिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, इस पर क्लिक करेंगे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये था आपका एक्सट्रूड एंड ट्रांसपेरेंट। अब आते हैं सेट डिस्प्ले ऑप्शन पर, तो डिस्प्ले में जाएंगे ऑप्शन में, सॉरी ऑप्शन, और आपका सेट डिस्प्ले ऑप्शन, तो ये डिस्प्ले ग्राफिक कलर में हम जाएंगे डिस्प्ले, और यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड की जगह पर करता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड, तो आपका ऐसे आएगा, ये आप ऐसे भी काम कर सकते हैं इसमें, यानी कि विंडो जो है आपकी ब्लैक हो जाएगी और आपके जो बीम कॉलम्स है फ्रेम्स है वो इस कलर में नजर आएंगे। दोबारा जाते हैं हम ऑप्शन ग्राफिक कलर डिस्प्ले, नेक्स्ट हम करते हैं ब्लू स्केल, तो ब्लू स्केल में ऐसा नज़र आएगा, ऑप्शन ग्राफिक डिस्प्ले ग्रे, ग्रे में ये कलर नज़र आएगा। दोबारा ऑप्शन ग्राफिक डिस्प्ले ब्लैक बैकग्राउंड करते हैं, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जिस कॉलम बीम का जो कलर रखना है आपको वह यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, ओके कर देते हैं, ये आ गया। इसी में ग्राफिक कलर्स में एक और आ रहा है आउटपुट, ये होता है प्रिंट आउट निकालने के लिए, ये है यहाँ पे देखने के लिए, इसमें भी सेम ऑप्शंस आएंगे आपके पास, ये रहे आपके। अब देखो एक चीज़ और दिखाते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट नॉर्मल ऑप्शन पे जाते हैं बैक वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है, ये रहा। इस टिक मार्क पे जाते हैं सेट डिस्प्ले ऑप्शन जो जिसकी हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हमने दिया हुआ व्यू बाय कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो जो व्यू आ रहा है यहाँ पे वो हमारा स्ट्रक्चर किस कलर में दिखाई दे, तो हमने जैसे कि यहाँ पे कर दिया है सेक्शन प्रॉपर्टीज, ओके कर दिया है। तो ये सेक्शन प्रॉपर्टीज में ऐसा कलर क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हमने डिफाइन किया था कोई बीम कॉलम सेक्शन, हमने किया था डिफाइन कंक्रीट बीम, तो जब हम डिफाइन कर रहे थे तो यहाँ पर एक कलर दिखा रहा था, इस कलर को हम चेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए जो कंक्रीट बीम का कलर है सेक्शन का, जब हम सेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे तब कलर क्या था, रेड, इसलिए वो बाय सेक्शन करने पर रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इस तरह कॉलम थे ब्लू, ओके।
जब आप डिफाइन करते हैं क्रॉस सेक्शन, वहाँ कलर आप चेक कर सकते हैं। अगर हम करें मटेरियल, ओके करें, तो देखिए मटेरियल करते ही सारा एक ही कलर का हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद इन्होंने मटेरियल जो डिफॉल्ट में कंक्रीट लिया था और उसमें कलर सेम था। तो डिफाइन मटेरियल, ये वाला मटेरियल था आपका, सॉरी ये था 4000 PSI, इसका कलर ग्रे है। अगर हम जैसे M25, M30 अलग अलग ग्रेड के पे हम काम कर रहे हैं तो सबको अलग अलग कलर दे सकते हैं हम जब मटेरियल डिफाइन करेंगे, और जब बाय मटेरियल कलर देखेंगे स्ट्रक्चर को तो ऐसे वो दिखाई देगा। दोबारा जाते हैं सेट, अब करते हैं हम बाय ग्रुप या डिज़ाइन या ब्लॉक या प्रिंटर या बाय स्टोरेज। तो इस तरह से हम अलग अलग कलर ही हर स्टोरेज का अलग कलर दिखाई दे रहा है। तो यही ऑप्शन है आपका सेट डिस्प्ले ऑप्शन। इसमें और भी चीज़ें हैं, देखिए मुझे, मैं चाहता हूँ कि मेरे जॉइंट ना दिखाई दें, ये मैंने क्लिक किया, जॉइंट हाइड हो गए, देखिए नीचे से हाइड हो गए। दोबारा ऑन करता हूँ हाइड, आप ज़रा बेस पे नज़र रखना, ये देखिए। मैं चाहता हूँ कॉलम ना दिखाई दें, कॉलम हाइड हो गए। कभी कभी जब बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं तो हमें ऐसा काम करना होता है, कुछ चीज़ें हाइड करनी होती है, हमें केवल बीम पे कॉलम काम करना है, बट बाय मिस्टेक कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम कॉलम को हाइड कर सकते हैं यहाँ से। मैं चाहता हूँ कॉलम रहें, बीम हाइड हो जाएं। और कभी कभी क्या होता है, हमें कॉलम बीम दोनों हाइड करके स्लैब पे काम करना होता है, तब कॉलम बीम दोनों हाइड कर सकते हैं आप, और अगर स्लैब गिवन है तो स्लैब आपकी दिखाई देगी। इसी तरह सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने अभी नहीं, जिनकी हमने वीडियोस नहीं बनाई है, लेकिन जब हम बनाएंगे तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं किसी चीज़ को हाइड करना है, किसको ऑन करना है। इसी तरह से ये है यहाँ पे एक्सट्रूड, पहले एक बार ये देखिए एक्सट्रूड हो रखा है, हम एक्सट्रूड हटा देते हैं फ्रेम का तो ये लाइन डायग्राम बन जाएगा, एक्सट्रूड पर क्लिक करते हैं तो फुल डायग्राम बन जाएगा। उसी तरह से ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ऑब्जेक्ट असाइनमेंट में मैं चाहता हूँ जॉइंट्स के लेबल आ जाएँ, जॉइंट्स के जो नाम दिया हुआ देखो आ गए हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ लेबल ना के उनके जो यूनिक नाम दिया हुआ वो आ जाए, तो वो आ गया 65, 69, 63। मैं चाहता हूँ कि फ्रेम्स के लेबल आ जाएँ, तो फ्रेम्स के लेबल आ चुके हैं। पहले एक्सट्रूड में से हटा लेते हैं तब लेबल यहाँ सही से दिखाई देंगे, ये देखिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेम्स बीम कॉलम के ऊपर उनका साइज जो कॉलम साइज है वो लिखा है सेक्शन साइज, मैंने क्लिक किया सेक्शन पर, देखिए कंक्रीट बीम कंक्रीट ये। इस तरह मैं चाहता हूँ लोकल एक्सिस दिखाई दें तो लोकल एक्सिस यहाँ पर क्लिक करके। तो ये सारी चीज़ें जब हम एक बार वीडियो सीख लेंगे, बना लेंगे हर ट्यूटोरियल हर टूल्स के, तब हम इन सबको एक एक करके एक बार फिर करेंगे। ये हैं अदर चीज़ें। तो ये था आपका सेट डिस्प्ले ऑप्शन, और ये था आपका डिस्प्ले के लिए, ग्राफिक के लिए। तो हमारे ये दो टूल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं अभी थोड़ी देर बाद अपलोड करूँगा वो होगी लोड कॉम्बिनेशन। तो एक चीज़ और देख लेते हैं, अप डाउन लिस्ट, ये और देख लेते हैं हम इसी वीडियो में। अप डाउन लिस्ट में क्या है, एक और विंडो ले लेते हैं यहाँ पे हम, यहाँ प्लान। अभी मैं जब प्लान पे कर्सर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारी कौन सी विंडो है, इसको सेट डिस्प्ले में हम कर लेते हैं। ओके, तो अगर हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, तो हम इस डाउन लिस्ट से अप डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट करना है एक बीम थर्ड फ्लोर पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बीम लिया मैंने और यहाँ पे क्लिक किया, ये कौन सा फ्लोर है आपका, यहाँ देख सकते हो फोर्थ स्टोरे, फोर्थ स्टोर पे मैंने क्लिक किया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ वाला जो थर्ड स्टोरे का सेकेंड स्टोरे का नोट्स है वहाँ ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं डाउन पे गया, ये थर्ड फ्लोर आ गया यहाँ पे, फिर मैंने एक बार डाउन किया सेकेंड फ्लोर आ गया, मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 3D में एरो से, अच्छा आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, जो कीबोर्ड में एरो होते हैं आपके उनसे, देखिए हो गया ना कनेक्ट इंक्लाइन। और ये जो आप पेन कर्सर देख रहे हैं, हम हाथ जो आता है इसको उठा के कहीं भी रख लेते हैं, ये स्क्रॉल को आप प्रेस रखेंगे तो आप इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये भी हो चुका है अप डाउन। अब देखिए जो आपका छोटे छोटे टूल्स थे जो सर आपको बोर भी लगे,
वो सारे हो चुके हैं। अब बड़ी बड़ी चीज़ें डिज़ाइन एलिसिस लोड कॉम्बिनेशन और उसके बाद कंटिन्यूस बीम्स टाइप्स ऑफ बीम डिज़ाइन वेरीफाई एग्जाम्पल स्टेयर केस आरसीसी डिज़ाइन स्टील डिज़ाइन पुश ओवर सीज़मिक डायनेमिक एनालिसिस स्टैटिक एनालिसिस विंड लोड एनालिसिस मास इरेगुलरिटीज इम्पोर्ट कैड मॉडल, ये सब आपके सिलेबस में आने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल जिससे आप कनेक्ट रहें मुझसे, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बगल में जो आता है, जो आप आने वाले टाइम में सारे ट्यूटोरियल देख सके। टाइम हिस्ट्री सीज़मिक एनालिसिस इनको ना कि हम ई टैब पे इनको एनालाइज करेंगे, बल्कि हम थोड़ा इसके बारे में भी जानेंगे होता क्या है और क्यों और कब हम ये सब सारे एनालिसिस करते हैं। तो थैंक यू आज के लिए।